ये जो बोला दिव्य जन्म का क्या एक होता है साधारण जन्म, जैसा सभी मनुष्य मात्र का होता है, और यदा कदा कोई मनुष्य काले मौत शरीर छोड़ते हैं, फिर कोई में प्रवेश करते हैं, वो भी इस लौकिक दुनिया में बहुत देखा सुना गया है, उसमें भी दिव्यता की कोई बात नहीं है। लेकिन शिव जो प्रवेश करते हैं, जो गीता में भी लिखा है, प्रवेश तुम मैं प्रवेश करने योग्य हूं, जन्म कर्म च मे दिव्यम यो मे वेत्य तत्त्वतः, जो मेरे जन्म और कर्म को दिव्य रूप से तत्व सहित जानता है वो श्रेष्ठ आत्मा है। तो दिव्य का मतलब है ज्ञान की दिव्यता से भरा हुआ। दिवस दिन को कहा जाता है, जहां रोशनी ही रोशनी होती है। भूत प्रेत प्रवेश करते हैं, उसमें ज्ञान की रोशनी कोई भरी हुई होती है क्या? और भगवान प्रवेश करते हैं तो प्रवेश करने के बाद जो कुछ भी सुनाते हैं उसमें ज्ञान की रोशनी भरी हुई है या नहीं भरी हुई है? इसलिए दिव्य जन्म है। दिव्य और अलौकिक एक ही चीज है या कुछ अंतर है? लौकिक और अलौकिक, दिव्य और अलौकिक एक ही बात। ये लोक, लोक माने ये संसार, इस संसार में जो कुछ हम सुनते हैं, देखते हैं, करते हैं, वो पांच तत्वों की दुनिया से भरा पूरा देखते हैं। ज्ञान नहीं है, अज्ञानता से भरी हुई दुनिया को देखते हैं। जो दुनिया नष्ट होने वाली है, नष्ट हो जाएगी, ऐसी दुनिया को देखते हैं। और भगवान आते हैं, हमें आत्माओं की दुनिया दिखाते हैं। आत्माएं नष्ट होती हैं क्या? वो नष्ट होने वाली नहीं है, थी हैं और रहेंगी। स्वयं परम पिता परमात्मा भी था, है और रहेगा। पांच तत्व नष्ट होते हैं, मूल रूप में तो वो भी नष्ट नहीं होते। आत्माएं न मूल रूप में नष्ट होती हैं और न इस संसार में आती हैं, जन्म लेती हैं शरीर से, तो भी नष्ट नहीं होते। आत्माओं का मूल रूप है ज्योति बिंदु, वो नष्ट होता है क्या? हाँ, इस संसार में आने के बाद 2,500 वर्ष तक हमें आत्मा के स्वरूप याद रहता है, और बाद में रावण राज्य आने पर भूल जाता है। और बाबा जगदम्बा जो है वो बाप की रचना है, शिव बाप की। तो ये लेसन में और भट्टी में हमने सुना कि जो पहली प्रवेशता वो जगदम्बा के अंदर हुई है, तो बाबा इसका थोड़ा क्लियर कीजिए। पहली प्रवेशता प्रजापिता के अंदर हुई है, जगदम्बा के अंदर हुई? बच्चे की पैदाइश का बीज जब पड़ता है तो एक के द्वारा बीज है या दो के द्वारा बीज, क्या कहें? बीज बोने वाला बीज बोए और धरणी उसको ग्रहण न करे,
तो चलेगा? नहीं चलेगा। तो दोनों का एक साथ है, लेकिन अंतर ये है, एक है भक्ति और एक है ज्ञान। अब बात है परमपिता परमात्मा के आने की लक्ष्य क्या है? ज्ञान देना। तो ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो प्रजापिता में प्रवेश करना वो परमपिता परमात्मा का लक्ष्य पूरा होता है। क्या लक्ष्य पूरा होता है? इस संसार को ज्ञान देना, सच्चाई देना। वो स्वयं ही सत्य है। कौन? परमपिता परमात्मा। गॉड इज ट्रूथ कहा जाता है, सत्य को ही ज्ञान कहा जाता है। तो इस हिसाब से ज्ञान का बीज बोने वाला पिता पिता होगा या माता होगी? पिता है। जिसमें बीज बोया जाता है वो अज्ञानमयी है या ज्ञान से भरी पूरी है? अज्ञानमयी है। लेकिन बाबा, जैसे वो बच्चा, उसको पहला ब्राह्मण बनना पड़ता है जगदम्बा के द्वारा, प्रजापिता को भी बनना पड़ता है। हाँ जी, जगदम्बा के द्वारा। हाँ जी, उस तरह से उसका बच्चा भी तो साबित होता है। बच्चा है तो ब्रह्मा हुआ। बच्चा बच्चा कौन हुआ है? ब्रह्मा का बच्चा क्या हुआ? ब्राह्मण हुआ, पहला ब्राह्मण हुआ। लेकिन जो पहला ब्राह्मण है वो ब्राह्मण है, जब ब्राह्मण है तो अज्ञानी है या ज्ञानी है? जब तक यज्ञोपवीत न हो तब तक क्या माना जाता है ब्राह्मण बच्चे को? अज्ञानी माना जाता है। तो बच्चा तो पैदा हुआ, लेकिन जैसे माँ अज्ञानी वैसे बच्चा भी अज्ञानी। यज्ञ के आदि में प्रजापिता को भी अज्ञानी कहें, संपूर्ण ज्ञानी कहें या अधूरा ज्ञानी कहें? अधूरा ज्ञानी था। शुरुआत में पूरा ज्ञान नहीं था, इसलिए टूट पड़े, फेल हो गए। और बाबा, शिव नाम कैसे पढ़ता है? शी प्लस वा, कल्याणकारी। अकल्याणकारी किसी अर्थ में नहीं। जो करता है कल्याणकारी। कोई कहे ये तो कल्याणकारी नहीं हो सकता, ये कर्म कल्याणकारी नहीं हो सकता, वो कर्म कल्याणकारी नहीं हो सकता। तो इस तरह कहने वाला स्वयं ज्ञानी कहा जाएगा या अज्ञानी कहा जाएगा? वो भी अज्ञानी कहा जाएगा। उसे ज्ञान नहीं है वास्तविक चीज क्या है, वास्तविक बात क्या है। जब वास्तविकता खुलेगी तब उसे भी पता चल जाता है। शिव माने कर्म से भी कल्याणकारी, वाचा से भी कल्याणकारी और मनसा के संकल्पों में भी कल्याणकारी। अकल्याण का नाम निशान नहीं, कोई परसेंटेज ही नहीं अकल्याण की, इसलिए नाम शिव है। नाम कब पड़ता है? तो काम परम धाम में किया या इस सृष्टि पर आकर किया? इस सृष्टि पर आकर के कल्याण के काम किए, वाचा भी कल्याण की चलाई। चलो, ब्रह्मा के द्वारा वेदवाणी आई, मुरली आई, तो मुरली का एक एक वाक्य कल्याणकारी या अकल्याणकारी? मान लो बताया सृष्टि का विनाश होने वाला है या मैं शंकर द्वारा विनाश कराता हूँ, तो विनाश कराना ये अच्छी बात है बुरी बात है? जो अज्ञानी होंगे वो कहेंगे यार ये तो ठीक बात नहीं,
कितने लोग दुखी होंगे, सारा संसार हा 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 हाकार करेगा, लेकिन हाहाकार कौन करेंगे? उन हाहाकार करने वालों के बीच में कोई जय जयकार करने वाले भी होंगे या नहीं होंगे? होंगे। तो कौन श्रेष्ठ हुए? वो जय जयकार करने वाले इतने श्रेष्ठ हैं कि जो हाहाकार करने वालों की प्लेंटियन तादाद है, उनके कर्मों के ऊपर जीत पाने वाले हैं, इसलिए उनको वाहवाही उनके दिल से निकलती है कि ईश्वर ने जो किया, ये सारे संसार का विनाश किया, किसके लिए किया? हमारे लिए किया। ये सच्चाई है या दुखदाई बात है? सच्चाई है। हाँ, आज महावीर बाबा ने कहा कि बाप आया है, बाप चला ना जाए, इसलिए सबको संदेश देना है। हाँ? फिर बाबा कहते हैं कि किसी को भी ये डायरेक्ट नहीं कहना है कि भगवान बाप आया है। हाँ? संदेश तो तीनों देना है, तीन ही संदेश हैं। क्या? पहला नया संदेश जिससे खुशी आती है वो देना है, नई दुनिया आने वाली है। फिर कोई प्रश्न करे कैसे आने वाली है, कौन लाएगा, कोई निमित्त बनेगा या अपने आप आ जाएगी? संसार का परिवर्तन अपने आप होता है या करने से होता है? करने से होता है। तो संसार में कोई भी नई दुनिया स्वर्ग बनाने वाला नहीं है। इतने बड़े बड़े धर्म पिताएं आए जिनको दुनिया की इतनी भारी जेंट्री मानती है, उनके आने के बाद दुनिया नरक बनती गई या स्वर्ग बनी? नरक बनी। तो उस प्रश्न का समाधान करेंगे या नहीं करेंगे? हैं? कौन करेगा, कौन कराएगा? वो एक ही ईश्वर है जो सारी दुनिया को पुराने से नया बनाता है। मनुष्यों में ताकत नहीं है कि वो अपनी पावर से पुरानी दुनिया को नया बना सके। तो नई दुनिया आने वाली है और भगवान स्वयं इस सृष्टि पर आया हुआ है। नहीं बताएंगे? हैं? बिना भगवान के हम मनुष्यों में इतनी ताकत है कि नई दुनिया लाए? तो ये सबूत है ना। हम जब संदेश दे रहे हैं कि नई दुनिया आने वाली है, कोई कहे आने वाली है, इसका क्या सबूत? क्योंकि पुरानी दुनिया को विनाश करने का बारूद तैयार हुआ पड़ा। इसका भी जवाब दे दो। तीनों जवाब तीनों प्रश्नों में भरे हुए हैं। तीनों संदेश ऐसे हैं जो एक दूसरे से गुथे हुए हैं। बाबा, 18 जनवरी को जब ब्रह्मा का वो था तो टीवी में बता रहे थे वो पूरी स्टोरी कि 1876 में ब्रह्मा का बर्थ हुआ था, जन्मदिन 1876 में बता रहे थे। अब वो एक बात बता रहे थे या बीसियों बातें बता रहे थे? ज्ञानामृत पत्रिका में क्या छाप के रखा हुआ है? और दीदी दादियां उस समय क्या बताती थी? तो अगर एक ही संप्रदाय बात के द्वारा भांति भांति की अलग अलग बातें कही जाएंगी तो वो बातें झूठी साबित होंगी या सच्ची होंगी? झूठी साबित हो जाती है। एक बात सच्ची होगी, दो बातें थोड़ी सच्ची होंगी जो एक दूसरे के विरोधी हैं। और बाबा, अहमदाबाद से विजय भाई ने प्रश्न किया कि सतयुग में आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसको साक्षात्कार हो जाता है कि मुझे अगला जन्म कहाँ पर लेना है। तो वहां पर निमित जो माता गीता पाठशाला चला रहे थे, उन्होंने शरीर छोड़ा तो उन्होंने बाबा से बोला, बाबा मेरी सेवा अब पूरी हो रही है, मुझे बाबा अभी दूसरी जगह भेज रहे हैं, मेरा पुरुषार्थ यहाँ पूरा होता है। तो भाई पूछ रहे हैं कि क्या ये सतयुग की शूटिंग मान के चले हम इसको? जो शरीर छूट रहा है अभी, उसमें दुख का अंश है या नहीं है?
तो नई दुनिया कहाँ से आ जाएगी? नहीं बाबा, नई दुनिया जब आएगी तो अंतमते सुगते होगी। अंतमते का मतलब कोई भी प्रकार का दुख आत्मा के अंदर ना हो, ऐसी स्टेज बनी हुई होगी तो नई दुनिया में जाएंगे। थोड़ा भी दुख का अंश है तो नई दुनिया में जाने वाले नहीं है। और व्यर्थ संकल्प, हाँ, उनको कंट्रोल करना है। हाँ? तो ये हमारे पुरुषार्थ से कंट्रोल होंगे या समय आने पर ही कंट्रोल हो पाएंगे? तब ठीक हुआ। समय जड़ है या हमारी आत्मा जड़ है? तो जड़ पावरफुल होता है या आत्मा चैतन्य ज्यादा पावरफुल है? तो बाबा क्या करना पड़ेगा जो व्यर्थ संकल्प, जो जो पावरफुल आत्मा है वो जड़, जड़त्व को, जड़त्व भाव को कमजोर कर देगी, माने समय को बदल देगी। बाबा वाणी में जो कहा गया है कि जब तक परिवर्तन शक्ति, संस्कार शक्ति, वैष्णवी प्रत्यक्ष नहीं होती है तब तक हम कितना भी जोर लगा लें लेकिन हमारे संस्कार जो है वो परिवर्तन नहीं होंगे। वैष्णवी शक्ति को आवाहन करने वाला कौन? भगवान को भी सृष्टि पर आवाहन करने वाले कौन? अगर आत्माओं ने उस परमपिता परमात्मा का आवाहन न किया होता तो उसके आवाहन का समय होता नहीं होता। तो पहले चैतन्य चाहिए करने वाला, हर काम में पहले चैतन्य आत्मा का प्रभाव होना चाहिए। और बाबा गुलजार दादी के तन में ब्रह्मा बाबा आते हैं, तो कई जगह बोलते हैं बाप, वाणी में तो कई जगह बाप दादा बोलते हैं, तो उसका उनके बोलने से क्या होता है? ब्रह्मा की सोल बाप और बाप दादा और बाबा नहीं बोल सकती है? ब्रह्मा की सोल बाप शब्द नहीं बोल सकती, बाप दादा शब्द नहीं बोल सकती, शिव बाबा शब्द नहीं बोल सकती। फिर अभी बाप बोल रहे हैं या बाप दादा बोल रहे हैं? तो सूक्ष्म बतन की बात बताई, बाप दादा बोल रहे हैं। सूक्ष्म बतन में जो बाप दादा अव्यक्त स्टेज में है वो बोल रहे हैं, और अव्यक्त स्टेज के बारे में भी मुरली हम बता दिया। सूक्ष्म बतन क्या है? कुछ भी नहीं। जब कुछ भी नहीं तो बोलते काय के लिए? तो बताया कि सूक्ष्म स्टेज को ही सूक्ष्म बतन कहा जाता है। ये मनसा की सूक्ष्म स्टेज है जिसे सूक्ष्म बतन कहा जाता है। जब हम साकार इंद्रियों के ध्यान में हैं, साकार इंद्रियों से जो सुख मिलता है उसके ध्यान में है तो हम साकारी स्टेज में। साकार इंद्रियां, साकार शरीर, साकार संबंधी, इनसे परे बुद्धि है और हम ज्ञान के मनन चिंतन मंथन में हैं। नई दुनिया के मनन चिंतन मंथन में है जो हमें आंखों से इस समय नहीं दिखाई दे रही है तो हम अव्यक्त स्टेज में हैं। व्यक्त माने जो आंखों से देखा जाए, अव्यक्त माने जो आंखों से न देखा जाए। और बाबा पहली इकाई जो वसुदेव कुटुंबकम की तैयार होगी, हाँ जी, उसमें चार युगल जोड़े होंगे, हाँ जी, उसमें बिल्कुल चार सूर्यवंशी और चार चंद्रवंशी, चंद्रवंशी होंगे, उन्हीं को ही अष्टदेव कहा जाएगा। हाँ, विजयमाला के पहले पहले जो अष्टदेव हैं वो चार युगल हैं, आठ युगल नहीं। अष्टदेव जो हैं वो अष्टदेव देवी दोनों हैं उसमें, चार देव और चार देवियां। और फिर बाबा ये विजयमाला की जो लक्ष्मी है ये भी तो अष्टदेवों में आ गई ना? हाँ जी, ये भी तो अष्टदेवों में है। हाँ, रुद्रमाला के जो देव हैं जो परमात्मा के बच्चे हैं और
उसमें जो ऐड होने वाले आत्माएं हैं वो विजयमाला है। तो जो विजयमाला से जो निकलने वाली आत्माएं हैं ओरिजिनली चंद्रवंश से हैं या सूर्यवंश से हैं? चंद्रवंश से हैं। हाँ, उन्होंने अपनी स्थिति को सही चयन करने से मजबूत बना लिया। जब जरूरत है उस समय कोई काम आए, जबकि सारी दुनिया काम नहीं आ रही है, तो उसका महत्व बढ़ जाता है या नहीं बढ़ जाता है? बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। इसलिए महत्व बढ़ा दिया गया। सोमनाथ मंदिर में जो शिवलिंग था उसमें जो सफेद रंग का हीरा था, है उस हीरे को क्या कोहिनूर हीरा कहेंगे? वही तो कोहिनूर हीरा है। कई जगह तो वैष्णवी को कोहिनूर हीरा कहा गया। हाँ, जो वैष्णवी है वो वैष्णवी पवित्र स्टेज वाली है या नहीं है प्रैक्टिकल में? दोनों में से फिर कोहिनूर हीरा किसको कहेंगे? हीरा पत्थर है या चैतन्य पत्थर? पत्थर है। तो पत्थर बुद्धि कौन? लक्ष्मी और नारायण के बीच में पहले पत्थर बुद्धि कौन? लक्ष्मी को कहेंगे उस रूप में। कहने कहने का फर्क होता है। जैसे जैन धर्म में कहते हैं कोई भी बात होती है उसके 12 तरह से अर्थ लगाए जाते हैं। तो कहते हैं बातें सब सच्ची होती हैं, परंतु उनके कहने का, व्याख्या करने का, समझने का फर्क अलग अलग होता है। और बाबा ज्ञान चंद्रमा 2018 में एक जगह फिर हो जाएंगे हैं? जब ज्ञान चंद्रमा चैतन्य चैतन्य ज्ञान चंद्रमा 2018 में एक जगह स्थिर हो जाएंगे? नहीं, संपूर्ण रूप से स्थिर हो जाएंगे ऐसे नहीं कहेंगे। जैसे सन 76 में राम वाली आत्मा एक जगह स्थिर हो जाती है, एक कुर्सी पर सेट हो जाती है, तो मनसा से सेट होती है या वाचा से सेट होती है या कर्मेंद्रियों से भी सेट हो जाती है? मनसा से सेट होती है। ऐसे ही वो 2018 के आसपास का जो टाइम है वो चंद्रमा वाली आत्मा अपनी स्थिति को समझ जाएगी कि हमारी आत्मा का स्टेज क्या है, कुर्सी क्या है, सीट क्या है। बाकी पुरुषार्थ तो आगे भी चलता रहेगा या खत्म हो जाएगा? चलता रहेगा। इसीलिए तो 40 से 50 वर्ष बताए हैं। तुम बच्चों को तमोप्रधान से सतोप्रधान बनने में कितना समय? 40 से 50 वर्ष लगता है। तो जो 10 वर्ष हैं वो बताए हैं सूर्यवंशियों के संपन्न बनने के। राजाएं कंप्लीट बनते हैं तो सारी प्रजा भी बाद में कंप्लीट बन जाती है, उसके बाद सारी दुनिया का नंबर लगेगा। उस विश्वपिता और विश्वपिता के साथियों के मुकाबले सारी दुनिया प्रजा है बड़ी डोने वाली। उसमें मुख्य कौन है? जो भरी ढोने वाली प्रजा है उसमें मुख्य कौन है? मुखिया है ब्रह्मा। ब्रह्मा की गोद में सभी धर्मों की मनुष्य आत्माएं खेलती। बाबा जब फरुखाबाद में भट्टी करने जाते हैं तो जन्म कौन सा माना जाता है? जब भट्टी करके बाहर आते हैं वो बर्थ माना जाता है या जिस दिन पहले दिन एंटर करते हैं? या अंदर ही भट्टी करने के अंदर ही जन्म माना जाता है? बाहर मतलब करें या जिस दिन घर पहुंचेंगे सुबह या ट्रेन में बैठते हैं रात को तो अगले दिन वो घर में पहुंचे वो जन्म माना जाता है, कौन सा दिन? बच्चे पैदा होते हैं तो 9 महीने के अंदर ही पैदा हो जाएं वो परिपक्व स्टेज है, या 9 महीने पूरा होने के बाद जन्म लेते हैं तो परिपक्व स्टेज है? कृष्ण के जन्म के लिए क्या कहा जाता है? कृष्ण का जन्म 9 महीने के बाद हुआ 10वें महीने में या 9 महीने के अंदर ही हो गया, तो परिपक्व स्टेज से जो चीज़ प्राप्त होती है उसमें ज़्यादा पावर होती है। जैसे कोई अन्न है, गेहूं बोया गया, पकने की स्टेज पर आ गया और वो पकने से पहले ही काट लिया गया तो कमज़ोर हो जाएगा ना।
ऐसे ही है। आशुतोष महाराज समाधि लगा के बैठे हैं बहुत समय से, क्या ये संभव है कि वो जीवित होंगे? जबकि उन्होंने उनको क्लिनिकली डेड डिक्लेयर किया है। ये तो कुंभक की प्रैक्टिस की बात है। क्या ये संभव है? जिस व्यक्ति का कुंभक प्रैक्टिस में परिपक्व स्टेज में पहुंच गया, जैसे आसन है स्थूल शरीर का, कोई भी आसन पर जिसकी 3 घंटे 45 मिनट की स्टेज पक्की हो जाती है, वो कितने भी लंबे समय तक, कितने भी दिन तक उसी एक आसन पर बैठा रह सकता है, पूरा शरीर जाम नहीं हो जाएगा। ऐसे ही कुंभक की स्टेज है, श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया को रोकने की प्रैक्टिस की बात है। तो हाँ, हठ योग है, आत्मा निल में चली गई, संभव क्यों नहीं हुई? जब आसन संभव हो सकता है लंबे समय तक के लिए, तो श्वास प्रश्वास की क्रिया को रोकना संभव नहीं है? वो भी संभव है। इसका मतलब है कि वो जीवित हो जाएंगे? ये कोई बात नहीं, खत्म भी हो सकते हैं, जीवित भी हो सकते हैं। जाने कितने खत्म हो गए, अनुमान लगाने से क्या होता है। और बाबा, जो बच्चे बाप को पहचान लेते हैं, ब्राह्मण बच्चे जो एडवांस में आते हैं, बाप को पहचानते हैं, कौन पहचान लेते हैं? वही जो ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मण बच्चे परसेंटेज में पहचान लेते हैं। तो कुछ देर के बाद, 2-4 साल के बाद जो शरीर छोड़ देते हैं अपना, तो वो कितना बाप को पुरुषार्थ करके पहचानते हैं, शरीर को छोड़ देते हैं? शरीर वो छोड़ते हैं जिनके अंदर भक्ति के संस्कार रहते हैं। जिनके अंदर भक्ति के संस्कार नहीं है, या कोई एक संस्कार उनका 100% भक्ति का पक्का हो चुका है, जिससे साबित होता है कि वो चेंज हो ही नहीं सकता इस जन्म में, तो उनको शरीर छोड़ना निश्चित हो जाता है। तो शरीर छोड़ने के बाद भी अगले जन्म में उनको ज्ञान के संस्कार पक्के करने हैं, पुरुषार्थ फिर से करना है, भक्ति पूरी होगी और परिपक्व स्टेज में ज्ञान मिलेगा। और बाबा, रामायण में बताया कि अनसुईया माता ने सीता माता को वस्त्र दिए, तो वो वस्त्र कभी मैले नहीं होते। ठीक है, वस्त्र माने शरीर। तो सीता माता क्या है? जगदम्बा है, धरणी ही जगदम्बा है, सारे जगत को जन्म देने वाली क्या है? धरणी। तो धरणी धरणी से पैदा होती है, धरणी में समा जाती है। वो धरणी को ये वरदान मिला हुआ है कि शरीर से सदैव नौजवान ही रहेगी, हर जन्म में कभी भी वृद्धता को प्राप्त नहीं होती। और बाबा, ब्रह्मा से ब्राह्मण पैदा हुए, हाँ, विष्णु से वैष्णव पैदा हुए हैं, विष्णु से वैष्णव पैदा हुए और शंकर से शैव। हाँ। तो बाबा, ब्राह्मण और वैष्णव तो अभी मिलते हैं, शैव संप्रदाय कहाँ लोप ये संसार में है? इसका इतना अस्तित्व नहीं है शैव संप्रदाय का। शैव संप्रदाय का अस्तित्व नहीं, दक्षिण भारत में देखो जाके, हर गले में शिवलिंग लटका हुआ है कि नहीं? महाराणा प्रताप के जो वंशज थे, शिवाजी के जो वंशज थे, वो एकलिंग भगवान को मानते थे या नहीं मानते थे? है? मानते थे। हाँ हाँ, ये है, जो ऊंची चीज होती है वो कम तादाद में होती है या ज्यादा तादाद में होती है? कम तादाद में होती है। वैसे भी देखा जाए, ब्रह्मा की भुजाएं 1000 होंगी या शंकर की 1000 भुजाएं सहयोगी बनेंगी? ब्रह्मा की बनेंगी। क्यों? क्योंकि शंकर का जो पुरुषार्थ है वो कैलाश ही पुरुषार्थ है। कैलाश पर्वत का पुरुषार्थ का मतलब क्या हुआ? बहुत ऊंची स्टेज का पुरुषार्थ है, उसमें सब मनुष्य आत्माएं लगातार जीवन भर सहयोगी नहीं बन सकते। और बाबा, आत्मिक स्थिति ज्ञान में कहते हैं बिंदी को,
मरिकुटी में टीका लगाते हैं, उसको कहते हैं आत्मिक स्थिति। तो भक्ति मार्ग में जो माताएं विधवा हो जाती हैं उनको बिंदी लगाना मना कर देते हैं, सदवा माता ही लगाती हैं, उसका क्या बाबा वैसे? सती सावित्री क्यों है? किस आधार पर सती सावित्री कही गई? हैं? कहीं क्यों कही गई? क्यों? उसमें सत्य है, इतना सत्य है कि वो विधवा की स्टेज को नहीं प्राप्त कर सकती। तो इतनी प्योरिटी की पावर है कि विधवा न बने। और हाँ बाबा जोर देते हैं कि संस्कृत में श्लोकों को याद करो, गीता के श्लोक। नहीं नहीं नहीं, दो तो दुनिया को सेवा करने के लिए है, हमें अपने लिए याद करने की दरकार नहीं है। जिसने सच्चाई को समझ लिया उसे किसी भाषा से क्या कनेक्शन? भाषा सिर्फ भाव को समझने के लिए होती है या अनिवार्य है? भाव को समझने के लिए है। लेकिन दुनिया का सबसे पहला ग्रंथ, दुनिया का सतो प्रधानता का स्टेज को पाया हुआ ग्रंथ कौन सा है? एक ही गीता है। इसलिए हम मूल को ही पकड़ लेंगे तो सारे शास्त्रों को हमें व्याख्यान देने की, उदाहरण देने की दरकार नहीं रहेगी। और दुनिया वालों का और खास करके भारतवासियों का विश्वास कौन से ग्रंथ के ऊपर है? गीता के ऊपर है। संस्कृत में तो इसे याद करना काफी कठिन लगता है। कोई के लिए सहज लगता है, छोटे छोटे बच्चे ऐसे भी हैं जो अध्याय के अध्याय उन्होंने याद कर लिए। तो अपने अपने पूर्व जन्म के संस्कार हैं, किसी के संस्कार ऐसे पड़े हुए हैं, किसी के संस्कार कैसे पड़े हुए हैं, किसी के संस्कार हैं गुरु ग्रंथ साहब की वाणी के ढेर सारे महावाक्य सुनाते रहते हैं। तो उसका हम हिंदी उसका अपना अपने हिंदी अनुवाद नहीं है क्या? हिंदी अनुवाद में जो है हाँ समझा, बिल्कुल समझा सकते हैं। और बाबा अभी जो बोला कि जिसमें भक्ति के संस्कार होंगे उसको शरीर छोड़ना पड़ेगा, अगर किसी को कैंसर हो, कैंसर ब्लड कैंसर हो और उसमें मतलब भक्ति के संस्कार ना हो, ऐसा का हाँ, तो वो फिर शरीर उसका वो ठीक हो जाएगा? ये क्या बात है? नहीं बाबा ऐसे बोला ना कि जिसे भक्ति के संस्कार और ना हो, भक्ति के संस्कार ना हो, जिसमें भक्ति के संस्कार नहीं होंगे वो बीमार ही नहीं पड़ेगा। जो संपूर्ण ज्ञानी बन गया, 1% भी भक्ति का कोई संस्कार नहीं रहा, वो तो संपूर्ण ज्ञानी हो गया ना। तो ज्ञानी हो गया उसके पास बीमारी कैसे फटकेगी? बाबा कहते हैं बीमारी तो कल्याणकारी है, धर्मराय की मार नहीं खानी पड़ेगी। विनाश कल्याणकारी नहीं है? बीमारी तो एक आदमी को खाती है। बाईस साल तो रह गए विनाश होने को, कब पैदा होएंगे, कब ज्ञान लेंगे ऐसे इस शरीर से छोड़ के? तो जा रहे हैं विनाश है, जो लास्ट स्टेज का विनाश है वो थोड़े दिन में होगा या 22 साल में होगा? वो तो थोड़े दिन के अंदर होगा ताकि दुनिया को ज्यादा दुख सहन न करना पड़े। जो ज्ञानी बच्चे हैं, जैसे अंक 2036 का टाइम लगभग बताया है, उसके 2-4 साल पहले किसी की अगर मृत्यु हो जाएगी तो बच्चा कब जन्म लेगा, कब अपनी परिपक्व स्टेज को प्राप्त करेगा उसको? अगर आज की दुनिया में 3 साल का बच्चा कंप्यूटर में सिद्ध हस्त हो जाता है और वो अच्छे अच्छे कंप्यूटर पर काम करने वालों को टीच कर सकता है, तो आगे चल करके और जादू नहीं हो सकता? तो फिर हाँ एडवांस ज्ञान देने के बाद जिनका शरीर छूटता है, एडवांस ज्ञान देने के बाद बाबा से मिलने के बाद जिनका शरीर छूटता है उसका क्या मुख्य कारण क्या है? उसका कारण ये है कि उनमें कोई भक्ति के संस्कार रह गए हैं तो शरीर छूट गया।
अब नया शरीर लेकर के फिर नए सिरे से पुरुषार्थ करेंगे, जिसमें पूर्व जन्म के ब्राह्मणत्व के संस्कार, ब्राह्मणत्व का ज्ञान ऐड हो जाएगा, और अच्छी एडवांस पार्टी में आ जाएगा। हम ऐसे नहीं कह सकते हैं कि वो शायद इस दुनिया से जो है अंदर से बिल्कुल मरे ही नहीं थे, इसलिए उनको अकाली मृत्यु का सामना। एडवांस की दुनिया से नहीं मरे, एडवांस में उनको आने के बाद ये पता लग जाता है कि हमें इसी शरीर से नई दुनिया में जाना है। अब शरीर है बेकार, वयोवृद्ध हो गया, बीमारियों वाला हो गया, लेकिन आत्मा में संस्कार भरा हुआ है कि हमको शरीर से नई दुनिया में जाना है। तो अगला शरीर जो मिलेगा वो अच्छा मिलेगा या खलास होने वाला मिलेगा? अच्छा मिलेगा। और बाबा ने बोला कि कर्मों में ब्रह्मा को फॉलो करना है। बाबा जैसे हम बेसिक में चले तो हमने ब्रह्मा बाबा को ईश्वर का साकार रूप माना, उनपे हमने मतलब जितना भी पहली सतोप्रधान अवस्था ही मारी हमने उसमें उनके प्रति श्रद्धा कर, तो वो बाबा वो संस्कार के रूप में वो प्रेम और वो उनका स्वरूप जैसे मन में बैठा है, तो बाबा बोलते हैं कि ब्रह्मा को भी याद नहीं करना है, कर्मों में उनको फॉलो करना है। तो जब हम ये चीज देखते हैं कि ब्रह्मा को कर्मों में फॉलो करना है तो उनकी याद तो आएगी, तो उसको क्या तरीका है उसका? क्या तरीका है? अरे ब्रह्मा, ब्रह्मा मौजूद नहीं है, लेकिन जो भी ब्रह्मा का स्वरूप था उसके बारे में हम बहुत कुछ जानते तो है ना, मुरलियों से ब्रह्मा के स्वरूप को हमने टैली तो कर लिया कि नहीं? टैली किया, टैली कर लिया, तो उसी आधार पर हमें याद भी करना है कर्मों को। बाबा ब्रह्मा के गुणों को फॉलो करना ना फिर उसको थोड़ा। हाँ, गुणों के आधार पर ही तो कर्म होते हैं, अब गुणों के आधार पर ही कर्म होते हैं बाबा। हाँ। चिरंजीवी भव आयुष्मान भव का जो वरदान है, चिरंजीवी भव आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव आयुष्मान भव, हम बच्चों को मिलते हैं ना? हाँ हाँ। तो ये किन बच्चों को मिलते हैं? ये उन बच्चों को मिलते हैं जो पूरे 5000 वर्ष जीवित रहने वाले हैं। इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर एक जन्म भी उनको कम नहीं मिलेगा। उसके लिए उनका क्या पुरुषार्थ होना चाहिए? आत्मिक स्थिति, जो आत्मिक स्थिति के पुरुषार्थ में सबसे जास्ती तीव्र होगा वो पूरे 84 जन्म लेगा, क्योंकि आत्मा परिपक्व स्टेज को प्राप्त हो गई पुरुषार्थ करके। आत्मा बीज है, 84 जन्म लेने हैं आत्मा को, तो उतनी परिपक्व स्टेज भी तो चाहिए, और धर्म वाले आत्मा की परिपक्व स्टेज को नहीं प्राप्त करेंगे, वो देहभान में रह जाएंगे। इसलिए जब शरीर छोड़ेंगे तो उनका देह मिट्टी में मिलाया जाएगा, देहभान की मिट्टी में गड़ जाते हैं, और हम बच्चे देहभान की मिट्टी को खलास कर देते हैं, राख कर देते हैं, जला भुना के योग अग्नि में, ज्ञान अग्नि में। संगम युग में हम बच्चों की उम्र 7 युग से भी ज्यादा होनी चाहिए। संगम युग सीमित है, यहाँ ज्यादा उम्र होने का सवाल नहीं है, यहाँ का 1 सेकंड वहां का जन्म जन्मांतर का हिसाब बना देता है। जिस सेकंड हम शरीर छोड़ेंगे उस सेकंड में हमारी जो स्टेज बनेगी वो कितने जन्मों का हमारा प्रतिफल दे देगी, है? हाँ, अनेक जन्मों का प्रारब्ध उसे 1 सेकंड में बन जाएगा। और बच्चे 3 युगों का अनुभव एक शरीर के साथ करते हैं, है? कलयुग का, संगम युग का और सतयुग का, नई आने वाली दुनिया का। हाँ, तो 3 युगों का अनुभव हमें इसी शरीर के साथ हमारी अनुभव करेगा। हाँ, त्रेतायुग की स्टेज का अनुभव नहीं करते हैं? हाँ? नहीं करते हैं? हाँ, फेलियर होते हैं तो कैसे होते हैं? राम वाली आत्मा फेलियर की स्टेज में कैसे गई? त्रेतायुगी स्टेज का उतरती कला का अनुभव किया है या नहीं किया? किया। बाबा जो नंबर 1 आत्मा है,
36 के बाद कितना समय तक वो सतयुग में शरीर सहित रहेगी? हैं? नंबर वन आत्मा जो हीरो पार्टधारी है, हैं? वो 1936 में जब सतयुग शुरू होगा, हाँ? तो उस कितने वर्षों तक उसी शरीर में वो आत्मा विराजमान रहेगी? माना आयुष्य कितना होगा? आयु कितनी होगी? नियम क्या है आयु के संबंध में? आयु लंबी होने या कम होने का नियम क्या बताया है? जो जितना याद में तीखा होगा उसकी उम्र भी उतनी लंबी हो जाएगी। तो सबसे जास्ती तीखी याद किसकी होती है? हीरो पाटधारी की सबसे जास्ती तीखी याद होती है। तो उसकी उम्र भी दुनिया की 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं के मुकाबले कम होगी या ज्यादा होगी? सतयुग में जो पहला जन्म लेने वाले सामान्य पुरुषार्थी हैं, जो संगम युग में ब्राह्मण हैं, वो 150 वर्ष आयु है उनकी बताई हुई। तो उस 150 वर्ष की आयु से ज्यादा आयु होगी या कम आयु होगी? ज्यादा होगी। बच्चों की भी तो होगी ना? हम बच्चे भी नंबरवार होंगे। और भक्ति खत्म होती है तो ज्ञान मिलता है ना? भक्ति खत्म होती है तो ज्ञान मिलता है, वो परसेंटेज के आधार पर कहा गया है। जिस परसेंटेज में हमारी भक्ति खत्म हुई उसी परसेंटेज में हमको ज्ञान मिलेगा। अभी हम अपने को संपूर्ण ज्ञानी कहें या अधूरा ज्ञानी कहें? अधूरा ज्ञानी। क्यों? इसलिए अधूरा ज्ञानी कहें कि आज निश्चय बुद्धि बनते हैं और कल माया अनिश्चय बुद्धि बना देती है। तो संपूर्ण निश्चय बुद्धि हुए, संपूर्ण ज्ञानी हुए या अज्ञानी हुए? अज्ञानी ही कहेंगे। बाबा जो ज्ञान में नहीं चलते उनके यूं की आयु होती है 105 को 110 बोलता है। दादा की 110 आयु की उस एज में डेथ हुई, ज्ञान में तो कुछ पता नहीं था। 110 आयु इतनी कलयुग में कैसे ले ली उन्होंने? जो आत्माएं बाद में आएंगी परमधाम से, वो सत्वप्रधान स्टेज वाली होती हैं या तामसी स्टेज वाली होती हैं? तो उनकी आयु लंबी नहीं होनी चाहिए। जो रशियंस हैं, जहाँ नास्तिकवाद फैला हुआ है कि हम ही सब कुछ हैं, भगवान कुछ भी नहीं, स्वर्ग कुछ भी नहीं, नर्क कुछ भी नहीं, आत्मा कुछ भी नहीं, परमात्मा कुछ भी नहीं, हम ही सब कुछ है, हम चाहें तो एक सेकंड में दुनिया को नष्ट कर सकते हैं, तो ऐसी नास्तिकवादी आत्माएं जो बिल्कुल निम्न स्टेज की आत्माएं हैं, जिन्हें धर्म के ऊपर कोई आस्था नहीं है, ऐसी आत्माएं बाद में उतरती हैं या आदि में उतरती हैं या मध्य में उतरती हैं? बाद में उतरती हैं। तो बाद में उतरेंगी तो परमधाम से पावरफुल आत्माएं आई हैं या कमजोर आत्माएं आई? पावरफुल। तो उनकी आयु लंबी नहीं होनी चाहिए? आज भी रशियंस की आयु 125 वर्ष 130 वर्ष आराम से होती है। और बाबा आह्वान करना भी भक्ति है? आह्वान करना, आवाहन करना, आवाहन करना भक्ति के संस्कार है या नहीं है? जो काम अपने द्वारा संभव नहीं है, हमारी आत्मा ने साक्षात्कार कर लिया कि ये कार्य हम नहीं कर सकेंगे, जो कार्य प्रवृत्ति मार्ग में संपन्न हो सकता है वो कार्य हम अकेले रह करके निवृत्ति मार्ग में संपन्न नहीं कर सकते, तो किसी का सहयोग ले लेना खराब बात है क्या? नहीं। है खराब बात है? नहीं। तो आवाहन कर लेना चाहिए ना, अहंकार दिखाना जरूरी है? हमें पता चल गया कि हम जन्म जन्मांतर के राजा हैं, रानी रहने के संस्कार हमारे अंदर नहीं है, किसी के अधीन रहने के संस्कार हमारे अंदर नहीं है। तो जन्म जन्मांतर के जो राजाएं हैं भारतवर्ष के, वो अपवित्र बनते रहे, उनमें अपवित्रता के संस्कार ज्यादा हैं या प्योरिटी के संस्कार हैं? मालूम हो गया ना? नहीं मालूम हुआ? और हमें यह भी मालूम हो गया कि दुनिया के सारे कार्य अच्छे से अच्छे हों वो किस आधार पर होते हैं?
पवित्रता के आधार पर होते हैं। हमें ये भी पता चल गया ये पवित्रता की पावर, दुनिया में कौन सी आत्मा है जिसमें पवित्रता की ये पावर सबसे जास्ती है? अरे 500 करोड़ में कोई तो आत्मा होगी जो प्योरिटी की पावर में सबसे आगे हो, हैं? कोई कहे कि नहीं शंकर जी ही हो सकता है जिसमें शिव प्रवेश करता है जो एवर प्योर है, नहीं सब पुरुष, तो शंकर जी पुरुष है या स्त्री है? पहले बनाना फिर प्योर शिव है, हाँ पहले बनाना फिर शिव है फिर, इसलिए जो योग्य है उसको मान देना, उसमें हमारा मान बढ़ेगा कम नहीं होगा। बाबा ने हमको डायरेक्शन दिया है माताओं कन्याओं को आगे करना है, तो ऐसे नहीं है सुपनखा पूतनाओं को आगे कर देना है, ऐसे करेंगे नहीं, जो योग्य है उसको आगे करना है। और बाबा हमारे इधर श्रीनगर में अमरनाथ का यादगार है श्रीनगर में, और जम्मू में वैष्णो देवी की यादगार है मंदिर है, अमरनाथ तो हमसे मिलने आते हैं लेकिन वैष्णो देवी का मिलने आएंगी जम्मू में श्रीनगर में अमरनाथ का यादगार है, जम्मू में श्रीनगर में, श्रीनगर में अमरनाथ का है ना जो यात्रा करते हैं, अमरनाथ की यात्रा करते हैं, वो जम्मू जिले के अंदर है, श्रीनगर में है, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में जो अमरनाथ मंदिर है वो कौन से जिले में है? श्रीनगर जिले में। अच्छा वहाँ बर्फ का लिंक बनता है ना तो दुनिया आती है उधर, बहुत दूर से लोग आते हैं। और जम्मू में वैष्णो देवी का मंदिर है कटरा में, ठीक है नीचे है। हाँ महादेव भगवान तो हमसे मिलने आते हैं लेकिन माँ कब मिलने आएगी हमसे, जो यादगार बना हुआ है जम्मू में माँ का? ये यादगार जो है वो भक्तों के द्वारा बनाए हुए है, अज्ञानियों के द्वारा बनाए हुए है या ज्ञानियों के द्वारा बनाए हुए हैं? तो अज्ञानियों ने जो यादगार बनाए होंगे उनमें सच्चाई होगी या झूठ ज्यादा भरा हुआ होगा? अगर हम कहें कि सेतुबंधु रामेश्वरम जो पुल बनाया गया वो लंका और भारत के बीच में बनाया गया तो ये सच्ची बात है क्या? नहीं, वो भावना के आधार पर हमने ऐसा बना लिया है लेकिन ऐसा है नहीं, वो ऊंची स्टेज की यादगार है। ये जितनी अमरनाथ की ऊंची स्टेज है उतनी स्टेज ऊंची वैष्णो देवी की नहीं है। और बाबा जैसे संगम युग में संगम युग की शूटिंग, संगम युग में सतयुग की शूटिंग, तो अभी जो समय चल रहा है ये कौन सी शूटिंग का समय चल रहा है? देखो की शूटिंग हो चुकी है, भगवान का बात है संगम में आता है तो जो पुरुषोत्तम संगम युग में आता है तो पुरुषों में उत्तम संसार में कब प्रत्यक्ष होगा? पुरुषों में जो उत्तम है, पुरुष माने आत्मा, पुरुषों में जो उत्तम है वो स्वयं के लिए कब प्रत्यक्ष हो गया? 76 में। और संसार सारे संसार के लिए कब प्रत्यक्ष हो जाएगा? 18 तो वही टाइम तो हुआ ना श्रेष्ठ संपन्नता का। अभी कौन सी शूटिंग का फेज चल रहा है? अभी तो संगम युग करेक्ट नहीं कहें, अभी भी कलयुग है या नहीं है? अभी भी कलयुग है। लेकिन कलयुग की शूटिंग तो हमारे ज्ञान के मुताबिक हो चुकी है। हो चुकी है कैसे? अभी गिरती कला नहीं है, अभी ब्राह्मणों में चाहे बेसिक ब्राह्मण है चाहे एडवांस ब्राह्मण, उनमें गिरती कला चल रही है या नहीं चल रही है? तो कलयुग की शूटिंग हो रही है या सतयुग की शूटिंग हो रही है? लगातार चढ़ती कला ही चढ़ती कला, उतरती कला का नाम निशान नहीं, अनिश्चय बुद्धि का नाम निशान नहीं, लगातार निश्चय बुद्धि उसको कहेंगे चढ़ती कला, तेरे बाने सर्व का भला। अभी कहाँ सर्व का भला हो रहा है? तब तो सतयुग आ गया ना फिर, जब एकदम चढ़ती कला। हाँ जी लगातार चढ़ती कला युग के करीब हो गए। हाँ जी। और
बुद्धि की स्टेज को कहा गया है, बुद्धि की स्टेज को कहेंगे ना सतयुग। हाँ हाँ, बुद्धि की स्टेज भी, वाचा की स्टेज भी, कर्मणा की स्टेज भी। दो शब्द भी सुनेंगे तो स्वर्ग में जरूर आएंगे। मेरे मुख से दो अक्षर भी सुना तो स्वर्ग में क्यों नहीं आवेगा? वो दो अक्षर कौन से होगा? कोई भी दो अक्षर। हाँ, कुछ भी। एक तो जो कहने वाला है मेरा मुख, वो कहने वाला कौन है? शिव बाप। और उसका जो मुख है वो संपन्न स्टेज वाले मुख की बात है या अधूरे मुख वाली स्टेज की बात है? संपन्न स्टेज का मुख, जो संपन्न स्टेज का मुख है वो कम बोलेगा या ज्यादा बोलेगा? कम बोलेगा। कम बोलेगा। शिव के मंदिर में कौन सा नगाड़ा प्रसिद्ध है? डमरू। हमेशा बजता रहता है क्या? कौन सा नगाड़ा है जो जिसको नगाड़ा कहा जाता है? वाद्य यंत्रों में सबसे तेज आवाज करने वाला कौन सा यंत्र है? नगाड़ा। नगाड़ा दो प्रकार का होता है। एक होता है लगातार ज्यादा बजता रहता है और ज्यादा तेज आवाज देता है, और एक होता है बीच में धूम, वो थोड़ा बोलता है। तो दोनों प्रकार की आवाजें हैं। तो जो कुड़बुड़िया है वो ज्यादा बजती है ना? जो कुड़बुड़िया है वो क्या है? और जो बीच में धूम शब्द होती है वो क्या है? हैं? क्या है? हैं? जो बहुत तीखी आवाज है, कुड़बुड़िया जैसी आवाज है, छोटा होता है बाजा या बड़ा होता है? अरे दो बाजे होते हैं ना नगाड़े में, एक छोटा होता है और एक बड़ा वाला होता है। तो बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है? अरे बजने में नहीं, वो तो डमरू, वो नगाड़े की बात हो रही है। प्रजापिता बड़ा नगाड़ा है। प्रजापिता बड़ा नगाड़ा। प्रजापिता बड़ा नगाड़ा नहीं। ब्रह्मा बाबा किसी को बोल देते थे कुछ, उस बोले हुए शब्दों को मनुष्य आत्माएं वरदान की तरह जीवन भर याद रखती थी या नहीं रखती थी? रखती थी। और जो शंकर के मुख से जो बजता है उसे वरदान की तरह कोई स्वीकार करता है? करता है? नहीं करता। तो एक है किलबिड़िया और एक है बड़ा धूम, ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम जिसे कहते हैं। क्या है? कौन किसके वाक्य प्रसिद्ध हैं? पत्थर की लकीर जिनको कोई काट नहीं सकता, वो कौन से हैं? ब्रह्मा के महावाक्य जिसे वेदवाणी कहते हैं। लेकिन संसार का चक्र कैसा है? आज कोई वेदों को पढ़ता है? नहीं पढ़ता। शास्त्रों को सब पढ़ रहे हैं, चाहे वो क्रिश्चियंस के शास्त्र हों चाहे मुसलमानों के शास्त्र हों, उनको महत्व ज्यादा दे रहे हैं। अब दोनों का समन्वय जब होता है तो वाणी बंद हो जाती है। मनसा की शक्ति से सारे काम होंगे या वाणी से होंगे? मनसा की शक्ति से। बोले भी तो बहुत थोड़ा, और जो बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। तो उस समय के लिए बोला है कि मेरे मुख से दो अक्षर भी सुने तो क्या होगा? स्वर्ग में जरूर आएगा। वो भगवान का संपूर्ण मुख है। हाँ, कहते हैं कि सरदार जी अभी आपके 12 बजे
हाँ, तो ये 12 कब बजेंगे? 12 तब बजेंगे जब सूरज बिल्कुल ऊपर आकर के तीखा तीखा चमकेगा। चालीस वर्ष पूरे होंगे पुरुषार्थ के, तामसी स्टेज से सात्विक स्टेज में आने के, तो सूर्य उदय होगा या दोपहर होगा? उदय हुआ। उदय के टाइम पर तीखी ज्ञान की किरणें होती है या सुहानी होती है? तो उनका असर सबके ऊपर पड़ेगा या जो तीक्ष्ण बुद्धि होंगे उनके ऊपर पड़ेगा? तीक्ष्ण बुद्धि वालों के ऊपर पड़ेगा। बाबा ये भी कहते हैं ना, राज करेगा खालसा बाकी न रहे ना कोई। हाँ जी, खालिस किसे कहते हैं? खालिस माने प्योर। तो क्या जो देवी के नौ रूप दिखाए गए हैं उनमें पहला रूप ही खालिस है, अंतिम रूप जो महाकाली है वो खालिस नहीं है? अगर खालिस नहीं है तो पूजा होती है कि नहीं? किस आधार पर पूजा होती है? तो प्योरिटी के आधार पर पूजा होती है। वो प्योरिटी किस किस्म की है? वो प्योरिटी शारीरिक प्योरिटी है या मनसा की प्योरिटी है? है मनसा की प्योरिटी है। मन एकाग्र है और बाबा आधा कल्प रावण राज करता है, आधा कल्प राम। राम तो, राम तो भगवान को कहा जाता है, बाप को। तो भगवान तो कहते हैं मैं तो राज करता ही नहीं हूँ, मैं तो राज करता ही नहीं हूँ भारत में आके। भगवान के भी दो नाम है, परमपिता परमात्मा। परमात्मा परमपिता कोई कहता है? है? फिर दूसरा नाम है शिव शंकर भोलेनाथ। शंकर शिव कोई कहता है? क्यों नहीं कहता है? हाँ, किस आधार पर बड़ा है? आत्मिक स्थिति में बड़ा है शिव, आत्मिक स्थिति में बड़ा है शंकर। उस आत्मिक स्थिति में सदाकाल रहने वाला नहीं है। 2500 साल आत्मिक स्थिति, 2500 साल दैहिक स्थिति। दैहिक स्थिति वालों में भी सबसे पावरफुल पार्ट बजाने वाला, आत्मिक स्थिति वालों में भी 2500 साल सबसे पावरफुल स्थिति में रहने वाला, बाकी उससे भी ज्यादा तीखा शिव। तो शिव ही बड़ा हुआ ना। तो ऐसे ही है, भगवान के भी दो रूप हैं, एक निराकारवादियों के और एक साकारवादियों के। तो साकार में अगर निराकार ना आए तो कोई काम का, कोई काम का नहीं। वो निराकार साकार का समन्वय जब होता है, प्रवृत्ति जब बनती है, तब ही संसार तैयार होता है, नई दुनिया तैयार होती है। तो नई दुनिया बनाने वाला सिर्फ निराकार या साकार या दोनों? दोनों। इसलिए दोनों को अलग अलग करना ठीक नहीं है। और बाबा जब शिवरात्रि मानते हैं, शिवरात्रि की पूजा करते हैं भक्ति वाले, इसकी शिवरात्रि की, भंग पी लेते हैं सभी बच्चे, भंग पीते, भंग भांग शिव बाबा को पीता था। हाँ पीता था। हाँ, भांग में सिर्फ भांग की पत्ती ही डाली जाती है या बहुत सी चीजें डाली जाती हैं? तो ऐसे ही है शिव बाबा का जीवन। शिव बाबा सिर्फ गुलाब के फूल ही पसंद करता है कि आग धतूरा भांग सब सब तरह के पत्ते खा जाता है? सब तरह के पत्ते। तो जहाँ सब तरह के पत्ते इकट्ठे किए जाते हैं और सारे ही भोग लगा देता है तो उसे कहते हैं भांग। लोगों ने वो भांग समझ ली। भक्ति मार्ग में स्थूल को पकड़ते हैं या सूक्ष्म को पकड़ते हैं? स्थूल को। स्थूल बातों को पकड़ लेते हैं।
शिवरात्रि को तो पक्का ये पीते हैं ना। अरे भांग की बात समझ में आ गई कि बीच में बोल लेते हैं आप? नहीं हम नहीं कहते ये। हाँ आप बताइए, भांग की बात समझ में आ गई? हाँ भाई। क्या आई? भांग क्या चीज है? ठगड़ते हैं तो उसको कहते हैं, सभी फूल वगैरह जो कुछ भी इकट्ठा करते हैं उसको बोलते हैं। लेकिन भांग जो है भक्ति मार्ग वाले करते हैं ना। जो भक्ति मार्ग वाले हैं वो उन्होंने पौधे को समझ लिया। वो पौधा जिसकी पत्तियां नशा चढ़ाती हैं, वो पौधा जिसकी फल है धतूरा, जिसके बीज नशा चढ़ा देते हैं, पत्तियां भी नशा चढ़ा देती हैं, उसको धतूरा समझते हैं। तो वो धतूरा समझते हैं उसको, धतूरे का फूल। लेकिन बेहद में क्या है? बेहद में वो फूल चैतन्य है या जड़ पौधा है? जड़ पौधे का फूल है, चैतन्य फूल है। ऐसे चैतन्य फूल जो लंबे छेद वाले हो गए, बड़ा छेद हो गया, बदबू ज्यादा आ रही है, तो व्यभिचारी फूल हुए या व्यभिचारी हुए? व्यभिचारी हो गए। वो व्यभिचारी जो फूल हैं उनको धतूरा कहा गया, उनको भी स्वीकार कर लेता है। बाबा ये बात हमने बताई थी, बहुत खुश हुए थे, अज्ञानी थे कोई, ये जो बाबा ने बात बताई है ये बात हमने उनको सुनाई तो उनको बहुत नई बातें लगी है कि ये तो आज तक हमें किसी ने बताया ही नहीं ये सब बातें हैं। अब यहाँ तो सारी बातें भगवान की बताई हुई, नया ही ज्ञान होगा ना। भगवान जो कुछ बताएगा वो पुरानी बातें शास्त्रों की बताएगा या नई बातें बताएगा? नई नई बातें बताता है। महादेव देखने से भी लोगों को काफी फर्क पड़ा। हाँ जी बाबा। हाँ जब हम साकार में निराकार को याद करते हैं तो उस समय हमारी बुद्धि में ज्ञान चलना चाहिए। आप साकार में किसको याद करते हैं? निराकार। साकार को तो नहीं याद करते? साकार दोनों ही हैं। नहीं लेकिन डायरेक्शन क्या है? साकार में निराकार को याद करते हैं। साकार में निराकार को याद करते हैं। आप मिनी मधुवन में, मधुवन में मधुसूदन को याद करते हैं, ईंटों के घर को तो नहीं याद करते? मधुसूदन अगर याद करें तो घटिया प्राप्ति होगी या बढ़िया प्राप्ति होगी? अरे याद करते करते डायरेक्शन तो है कि साकार में निराकार को याद करना, लेकिन याद करते करते 63 जन्म के संस्कारों के अनुसार बुद्धि का लगाव कहाँ हो जाता है? ऑटोमेटिक साकार में हो जाता है। तो अगर साकार में लगाव लग जाता है तो शिव के जो नियम हैं उन नियमों का उल्लंघन किया या समर्थन किया? उल्लंघन कर दिया। तो हमारा अटेंशन रहना चाहिए कि साकार में तो याद करना है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए साकार में ही फंस जाए, वो साकार ही साकार याद आता रहे और निराकार वो उड़ जाए। बैलेंस रखना है।